हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस में। आइए हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फिजिक्स का क्लास नाइन्थ का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, जिसमें कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में। यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन वी नोन एज फोर्स। यानी किसी ऑब्जेक्ट में को एक्सीलरेट करने के लिए, अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट हो, हम उसको एक्सीलरेट अगर 1 m/s² करते हैं तो उस पर 1 N का फोर्स लगता है। तो आप लोगों ने यूनिट समझा था फोर्स का, न्यूटन और डाइन। तो 1 N = 10^5 N। आज हम लोग कुछ फोर्स के डिफरेंट यूनिट्स को देखेंगे, जो कि आपको जल्दी बुक में मिलता नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिया है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। मतलब सब बुक में नहीं मिलता है, बुक में तो मिलेगा ही, सारे बुक में नहीं दिया रहता है ये। इस पे फोकस करोगे। इन एसआई सिस्टम द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम वेट। एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होता है किलोग्राम वेट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड केजीएफ, यानी किलोग्राम फोर्स। इसको किलोग्राम फोर्स भी कहा जाता है। इन सीजीएस सिस्टम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज ग्राम वेट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम फोर्स। ओके, अब जरा देखो यहाँ किलोग्राम, किलोग्राम को देखेंगे। 1 kg वेट या 1 kg फोर्स इज दैट फोर्स विच जनरेट्स एन एक्सीलरेशन ऑफ 9.8 m/s² इन द मास ऑफ 1 kg। किसी ऑब्जेक्ट का अगर आप वेट देख रहे हो, वेट जिसको आप बोल देते हो, या वेट लिखा भी रहता है, वेट का यूनिट होता है न्यूटन और मास का यूनिट होता है केजी। हम लोग बहुत केसेस में कह देते हैं वेट और मास सेम है, ये दोनों केसेस सेम नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे बोल रहा है 1 kg ऑब्जेक्ट का मास, यानी उस पर कितना एक्सलरेशन ये ड्यू टू अर्थ लगा रहा है, 9.8 m/s से उसको खींच रहा है, इसलिए आपको महसूस हो रहा है, मतलब महसूस किया आपको 1 kg का ऑब्जेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे इन द मास ऑफ 1 kg, 1 kg वेट इक्वल टू, अब देखिए 1 kg वेट में कितना न्यूटन, तो 9.8 N। नेक्स्ट देखिए ग्राम वेट, 1 g वेट और ग्राम फोर्स इज डेट फोर्स विच जनरेट एन एक्सलेशन 980 cm/s² इन द मास ऑफ 1 g। अब ये देखिए सीजीएस टर्म में ग्राम फोर्स जो बोल रहा है, 1 g वेट, यानी 1 g वेट जो होता है कितने के इक्वल होता है, 980 N के इक्वल होता है। इसे आप अच्छे से राइट कर लीजिए, तब हम लोग फोर्स का बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को देखेंगे, और रिजल्टेंट फोर्स को, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही है, आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में इसके अगले पार्ट को देखेंगे। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।